हाय गाइस, मैं हूं नीलम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही इजी वैनिला केक की रेसिपी, जो कि मैंने आज घर पर ट्राई की है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल क्वारंटाइन के टाइम पे या फिर होम लॉकडाउन के टाइम पे हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इस समय पे बच्चे अगर कोई मांग करते हैं तो हम बाहर से नहीं ला सकते, तो हम ऐसी चीज़ें आसानी से उन्हें घर पर बनाकर ही खिला सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी। तो ये एक मग केक भी मैंने बचे हुए बैटर से बनाया था, बस इसे 2-3 मिनट मैंने माइक्रोवेव कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेसिपी से। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप मैदा। इसमें मैं ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, और इन सबको हम छान लेंगे ताकि इन सब में अच्छे से एयर आ जाए और हमारा केक अच्छे से फ्लफी हो जाए। तो अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को साइड रख देते हैं और एक दूसरे बोल में वेट इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट करते हैं। 1/2 कप कर्ड, 1/2 कप पाउडर शुगर और इन दोनों को थोड़ा सा कंबाइन कर लेते हैं या मिक्स कर लेते हैं। अब ऐड करेंगे 1/3 कप ऑयल। तो मैंने यहाँ पे 2/3 कप का हाफ लिया है, यानी 1/3 कप। आप ऑयल की जगह बटर या घी भी ले सकते हैं। और अब मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर 1/2 कप। अब इन सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे करीबन 1 कप दूध लिया है, पर मैं दूध ज़रूरत के हिसाब से ही ऐड करूँगी, तो सारा दूध नहीं जाएगा, अराउंड 3/4 कप दूध इस केक में जाएगा। तो अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स पोर्शन बाय पोर्शन इसमें ऐड करेंगे, और जब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालें तो हमें ख्याल रखना है कि इसे बहुत ही स्लोली मिक्स करना है। स्लोली इसीलिए मिक्स करना है ताकि हमारा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो डाला है वो यहीं पे एक्टिव नहीं हो जाना चाहिए। तो इसीलिए हम इसे स्लोली मिक्स करेंगे ताकि जब हमारा केक फूलने लगे तो वो वहाँ पे एक्टिव हो और हमारा केक अच्छे से स्पॉन्जी बन सके। इसी तरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ जहाँ पे ज़रूरत लगेगी वहाँ पे हम थोड़ा सा मिल्क भी मिक्स करते रहेंगे। तो इसी तरह 2-3 पोर्शन में धीरे धीरे हमने सारा ही ड्राई मिक्स को मिक्स कर दिया है। और दूध को भी हमें ग्रेजुअली ही ऐड करना है और हमें एक फ्लोई कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं। अभी ऑलमोस्ट एक अच्छी सी स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ गया है हमारा बैटर। और एक लास्ट बार इसे प्रॉपरली मिक्स कर लेते हैं ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे वैनिला एसेंस 1 टीस्पून। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इतना दूध बच गया है हमारे कप में। अब हम इसे एक केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने इस केक टिन को पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया है और फिर मैदा डाल के एक्सेस मैदे को पाउडर ऑफ कर दिया है। तो इसे अभी मैं कढ़ाई में ही बनाऊंगी, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक और एक रिंग डाल दिया है। अब हम बस इस केक टिन को उसमें प्लेस कर देंगे और 20 मिनट के बाद हमारा केक रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा केक रेडी है, इसे हम टिन से डीमोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है केक। तो
आई होप आप भी इस केक को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इन 21 दिनों में जब हम घर पर हैं तो ज़रूर इस केक की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।